सच्चा तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम असाढ़ मुग्रम प्रतनासु सासहिम। हे परम ब्रह्म, हे ज्योति स्वरूप, देवगण और मनुष्यगण तेरी स्तुति गाते रहते हैं। सासहिम यस्मिन महीरो, तेरे कारण से ही वे विजय प्राप्त करते हैं, तेरे कारण से ही वे अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। इस मंत्र में दो शब्द आए हैं, देवता और मानव। पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग देवता कब बनते हैं? जब हम उस ईश्वर की दिव्यता को, उसके स्वभाव को, उसके गुणों को अपने में धारण करने लग जाते हैं। वो प्रभु करुणाशील है। जब हमारे भीतर से करुणा का प्रवाह दूसरों की तरफ बहने लगता है, दीन दुखी परेशान लोगों को देख के जब हमारा हृदय भर आता है, उनके लिए कुछ करने की भावना हमारे भीतर जब पैदा होती है, उनकी सेवा, उनकी सहायता। ईश्वर का दूसरा गुण है न्यायशील। वो न्यायशील है। हमारा जो मनुष्य समाज है, अपने माता पिता के संग हम न्याय कर रहे हैं या अन्याय, अपने मित्रों के साथ हम न्याय कर रहे हैं या अन्याय, अपने परिवार जनों के संग हम न्याय कर रहे हैं या अन्याय, अपने पड़ोसियों के साथ। ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके साथ जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, उसके साथ हम न्याय युक्त हैं या न्याय नहीं कर पा रहे हैं? ईश्वर का ये गुण है न्यायशील, न्यायशीलता। वो गुण हमारे भीतर होना चाहिए। ऐसा करने में हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। किसी के साथ भी अन्याय करके हम एक तरफ को निकल जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उन कर्तव्यों से हम विमुख हो जाते हैं, तो हमारा जीवन कष्ट से, दुख से, अपमान से भर जाता है। जिस तरह से ईश्वर न्यायशील है, ऐसे ही हमें न्यायशील होना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। परमात्मा जैसे सारे जगत के साथ परोपकार करता है, ऐसे ही हमें भी परोपकारी होना चाहिए, दूसरों का उपकार करने वाला हमें होना चाहिए।
जब हम उपकार में लग जाते हैं, आप पंछियों को दाना रोटी के टुकड़े डालना शुरू करते हैं, रोज नियम से पानी रखते हैं, तो एक दिन आपके यहां हंस भी उतर आते हैं। कर्तव्य पालन करने में कष्ट होता है, उपकार दूसरों का उपकार करके हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है, ये गुण हमारी आत्मा को प्रकाशमान करते रहते हैं। गुणों को ही देवता कहा गया है। सत्य, सत्य का आचरण, सच्चाई, सच्चाई को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी आत्मा में बल पैदा होता है। सत्य का आचरण करने वाले ही ऋत पुरुष कहे जाते हैं। नियमबद्ध तरीके से सत्कर्मों को वे करने लग जाते हैं। ऋत सरल मार्ग पर वे बढ़ने लगते हैं, कुटिलता का मार्ग त्याग देते हैं, असत्य का मार्ग त्याग देते हैं। जिस रास्ते में जाके अपने असत्य के कारण मनुष्य उलझ जाता है, उससे वे बच जाते हैं। सत्य का पालन, ये हमारे भीतर देव वृत्ति को जागृत करती है। अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाना किसी भी तरीके से, बल्कि जो कष्ट में पड़े हैं उनकी मदद करना, उनसे सहानुभूति रखना, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करना, देवताओं का स्वभाव ऐसा होता है। आप देखिए, कोई देवता प्रकट हुआ आकाश में, प्रकाश में, तो वो पूछेगा क्या चाहते हो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांगो। तो हम लोग मनुष्य, छोटी छोटी बुद्धि, छोटी छोटी हमारी बातें, जितनी हमारी बुद्धि की सीमा है वो ही हमारी डिमांड होती है। भगवान, मैं एक धनवान व्यक्ति बन जाऊं, तथास्तु। कष्ट धनवानों को भी होते हैं, दरिद्रों को भी होते हैं, मृत्यु, मान अपमान सबको होता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और एक वरदान ऐसा होता है, हे प्रभु, जैसे देवता तुम बन गए, जिन गुणों को धारण करके तुम ईश्वर के निकट पहुंच गए, हमको भी ईश्वर के निकट ले चलो। एक ये बात है, ये तब हमारे भीतर आती है जब सतोगुण हमारे भीतर बढ़ जाता है। रजोगुण है तो हम धन, स्त्री, पुत्र, पद, राज्य, वैभव, इस तरफ को हमारी बुद्धि जाती है। और हृदय में तमोगुण बढ़ गया, तमस बुद्धि में बढ़ गया, तो कहेंगे वो मेरा दुश्मन है, उसका सर्वनाश कर दो। समय आने पे मनुष्य का खुद अपने कर्मों के कारण विनाश हो जाता है, तुमको मांगने की जरूरत ही नहीं।
तो हमारे भीतर जो प्रवृत्ति विकसित होने लगती है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। देवता हम कैसे बनते हैं? सत्य का आचरण करके, पुण्य कर्मों में निरंतर गतिशील बने रहकर, नियमित रहकर, दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर कष्टों को दूर करके, ब्रह्मचर्य सोम की रक्षा करने से, चरित्र की उच्चता को प्राप्त करके हम देवतुल्य बन जाते हैं। इन ऐसे देव तुल्य मनुष्यों को देख के, उनके आचरण को देख के, उनके जीवन को देख के कितने ही लोग धर्म मार्ग में चलने लगते हैं, उनसे प्रेरणा को प्राप्त करते हैं और वे परमात्मा के सेवक, उसके फकीर, संसार को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके हृदय में ईश्वरीय ज्योति को जागृत करते रहते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उनमें ईश्वरीय सुगंध, शांति, संतुष्टि को बढ़ाते रहते हैं। संसार में एक तो इस तरह के लोग हैं, जब उसके गदा माने फकीर सेवक, उसके दर पे पड़े रहने वाले स्थिर बुद्धि स्थिर चित्त वाले लोग जब उसके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, दुनिया के शहनशाह उनके निकट आके ईश्वरीय शांति से अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आत्मा को उस परम ब्रह्म में, उस ज्योति में स्थिर कर लिया है, स्थापित कर लिया है। जब उसके गधा होता है बोझ ढोने वाला और गधा है फकीर प्यारा, ईश्वर का मित्र, संपूर्ण विश्व का मित्र, विश्वामित्र, हम लोगों में से ही ऐसे बनते हैं। इसी को साधना कहा जाता है, अपने स्वभाव को निम्नता से हटा के उच्चता में स्थापित करना ही साधना कहा जाता है। जब उसके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, दुनिया के शहंशाहों के हृदय में प्रकाश कर देते हैं, फिर कुछ उनको प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती, शांत हृदय से वे शहंशाह उस परमात्मा को जपते रहते हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जब उसके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, उसके मोहताज की ये हालत, तो उस मुख्तार का आलम क्या होगा जो सर्वसमर्थ है परमात्मा, जो सर्वशक्तिमान है परमात्मा, अपने निकट आने वाले भक्तों मित्रों को वो सब कुछ प्रदान कर देता है, सब कुछ, सांसारिक संपदाएं भी और दिव्य संपदाएं भी, और अपनी आत्मा का प्रेम भी अपने मित्रों को वो उड़ेल देता है, दे देता है। ईश्वर के मार्ग में आए हुए दूसरी तरह के लोग जिनको मनुष्य कहा गया है, मन ने जिनकी आत्मा को निगल लिया है,
मन, जो मन के पीछे चल रहे हैं, मन के पीछे। आज तो मन लड्डू खाने को कर रहा है, लड्डू खाया। आज तो मन कोल्ड ड्रिंक को कर रहा है, हाथ के हाथ खांसी, खांसी शुरू हो गई, बीमारी शुरू हो गई। मन के पीछे है, बुद्धि से काम लेना चाहिए। मन, मन ने आत्मा को निगल लिया है। ईश्वर के विषय में स्थिर बुद्धि नहीं है, जाने है भी जाने नहीं। परमात्मा का क्या पता है भी या नहीं। कुछ लोग हैं शोर मचाते रहते हैं, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। भाई किसने देखा है भी या नहीं। यहां से उनके विकार शुरू हो जाते हैं। तपस्या करो, साधना करो, उपवास रखो, मौन रखो। अरे मरना है क्या? खाओ पियो, मौज करो। ये विचार उनमें पनपने लगते हैं। ऋषिगण कहेंगे अरे भाई प्रतिदिन यज्ञ करो, प्रकृति का शोधन होगा, वायु का शोधन होगा, पंच तत्वों का शोधन होगा, गाय के घृत से और सुंदर सुंदर सामग्रियों से परम ब्रह्म का यजन करो। तो जिनकी बुद्धि विपरीत है क्या कहेंगे? क्या फायदा रोज गाय का घी आग में फूंक रहे, पागल हो गए हैं, इससे अच्छा खा लो। वो अपने ही मुख में आहुति डालने को सबसे अच्छा समझते हैं। ईश्वर के मार्ग में आए हुए लोग, या कहो आए ही नहीं हैं, या दिखावे में चल रहे हैं और बुरे से बुरे कर्म करेंगे, मित्र बना के ठगी करेंगे, दूसरों के स्त्रियों पे निगाह रखेंगे, यहां वहां से चोरी करेंगे और अपने को बड़ा श्रेष्ठ बनते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को देख के दूसरे लोग भी उस मार्ग से हट जाते हैं। खुदा के बंदों को देख के लोग मुनकिर हो गए, पलट गए कि भैया ठीक नहीं, खुदा के बंदे ऐसे हैं तो उसका जुल्म क्या होगा। परमात्मा के बंदे ही धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, वैश्यगमी गमन कर रहे हैं, ये तो खुद ही नीचता में पड़े हुए हैं। कहने मात्र को साधु हो गए हैं। उनको देख के कितने ही लोग उस मार्ग से हट जाते हैं। ऐसे लोग परमात्मा के मार्ग में सबसे ज्यादा नुकसान संसार को पहुंचाते हैं। इस मंत्र में दो शब्द आए हैं, देवता और मनुष्य। देवता वो हैं जिनकी आत्मा से उस देव आदि देव का प्रकाश फूट रहा है और उस प्रकाश में कितनी ही आत्माएं ऋषि आत्मा बन के, देव आत्मा बन के, पवित्र आत्मा बन के उस प्रभु की तरफ को जा रही हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। और दूसरा शब्द है मनुष्य, जिनकी आत्मा को मन ने निगल रखा है, चकचुंदर सांप ने पकड़ रखी है, ना अंदर तक निगलता है ना उसको छोड़ता है। केवल हम महान आत्मा बनने का दिखावा करें गलत है। आचरण हमारा खराब और वाणी हमारी साधुओं जैसी हो अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के आचरण को देख के कितने ही अच्छे लोग भी उस रास्ते से किनारा कर लेते हैं, हट जाते हैं। ओम असाढ़
मर्गम प्रतनास सा सहिम। हे परमेश्वर, तेरी तरफ को देवता जैसे लोग और मनुष्य जैसे दोनों तरह के लोग आते हैं, किंतु अमृत उनको ही प्राप्त होता है जिनके हृदय में सत्य है, सच्चाई है, धर्म आचरण है, निष्ठा है, सत्कर्म है, पुण्य कर्म जिनके जीवन में है, वे ही पुरुष धन्य है। सा सहिम यस्मिन महीरो, तेरे कारण से ही सब सफल होते हैं, विजय पाते हैं। अपने बल से अभिमान करके, अहंकार करके तो मनुष्य निम्नता में जाके गिर जाता है। इस हृदय के किवाड़ खुलें, कपाट खुलें, तो उस परमात्मा की झलक हमें महसूस हो। सामने वो परमात्मा आप ही विद्यमान है। जैसे अग्नि पुंज से बहुत से पतंगे चिंगारियां उठती रहती हैं, ऐसे ही उस ज्योति स्वरूप से कितनी ही विविध तरह तरह की जीव आत्माएं अग्नि की चिंगारियों की तरह प्रकट होती हैं, अनेक अनेक शरीरों को धारण करती हैं, जो अपने जीवन काल में उस आदि पुरुष परमात्मा का स्मरण करता रहता है, वो निरंतर उसके अमृत में और उसकी ज्योति में बना रहता है। हमारे जीवन में ईश्वरवाद होना चाहिए। सर्वप्रथम नींद से जागते ही, जागृति आते ही, किसी समय भी आंख खोलें, सबसे पहले परम ब्रह्म का चिंतन और उसका धन्यवाद हमें करना चाहिए। अपने जीवन को हमें ईश्वरमय बनाना चाहिए, सत्य के प्रकाश से प्रकाशमान बनाना चाहिए। विनम्रता परोपकार को हमें धारण करना चाहिए। दूसरी बात, मानवतावाद। ये संपूर्ण पृथ्वी हमारा कुटुंब है, ईश्वर का परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसमें हमें किसी के साथ भी भेदभाव, छल कपट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है राष्ट्रवाद। हमारा राष्ट्र, हमारी मातृभूमि, देवताओं की ये भूमि भारतवर्ष, वैदिक ऋषियों की ये भूमि भारतवर्ष, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। और जैसे हमारे पूर्वज हुए हैं, पुरखे हुए हैं, उनके अनुरूप ही हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। हमारे घरों में एक एक गाय जरूर होनी चाहिए, चार पांच हो तो कोई बात नहीं, गाय, गौ पालन हमें अवश्य करना चाहिए। आप दूधिया से दूध लेते हैं शहरों में, साबुन घोल घोल के आपको पिला रहा है और आप पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। एक एक गाय अगर हमारे घर में होगी या दो तीन गाय होंगी तो उसका घृत हमें मिलेगा, उसका दूध हमें मिलेगा, उसके गोबर से उपले कंडे हम बना सकते हैं। गांव में भी लोगों ने गाय रखने बंद कर दी है, दूधिया से दूध लेते हैं, ये दुर्भाग्य है। और सब बीमार पड़े रहते हैं, बीमार। गाय का दूध अमृत है,
गाय के दूध में स्वर्ण होता है। गाय के दूध से 80% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती। गाय का घृत दवा का काम करता है। गाय के घी से आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, जितने बीमारियों के कीटाणु हैं सब खत्म हो जाते हैं गाय के घृत से यज्ञ करने पर। केवल गाय के घी में ये गुण है और किसी में नहीं। भैंस के घी में वो बात नहीं है, भैंस के दूध में भी वो बात नहीं है। गांव में तो ये कहते हैं भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि भी मोटी हो जाती है। गाय गौ पालन हम अवश्य करें। दूसरी बात, अपने घर के आसपास वृक्ष लगाएं, फल वाले वृक्ष, नीम के वृक्ष, जिससे हमारा पर्यावरण वायुमंडल शुद्ध रहे। हमारे घर ऐसे होने चाहिए साफ सुथरे स्वच्छ, जिनमें उगते हुए सूर्य की धूप प्रवेश करे, पूर्वा और पछवा हवा आर पार घर के निकले, तो वहां बीमार कोई हो नहीं सकता। और शहर में कैसे घर बनाते हैं, जैसे रेल का डिब्बा, ये कमरा, इसके आगे कमरा, उसके आगे कमरा, यहां से वहां तक रेल का डिब्बा। और बीमार हो गए तो पंडित जी बताएंगे तुम्हारे घर में गंदी हवा है, तो गंदी हवा वे समझते हैं भूत प्रेत है। उसी घर के अंदर टॉयलेट बना है, उसी घर में रसोई है, दुर्गंध है, वो दुर्गंध अग्नि की किरणों को पाके हजार गुना बढ़ जाती है। उसी में हम लोग सांस लेते और छोड़ते रहते हैं, यही गंदी हवा है। वायु शुद्ध न होने से, जल शुद्ध न होने से, बुद्धि शुद्ध न होने से हमारा जीवन नष्ट होता चला जाता है। और नियम संयम न होने से, सोम का संचय न होने से, सोमरस हमारे शरीर में जो तेज तत्व है, वीर्य तत्व है, उसका संयम न होने से बीमारियां 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 बढ़ती चली जाती। ये हमारे वैदिक ऋषियों का कहना है। और वेद पाठ न करने से, प्रतिदिन आप वेद पाठ करें, कम से कम दो ऋचाएं पढ़ लें, ज्यादा नहीं तो दो ही पढ़ लें। घर में वेद नहीं होगा, आप बताइए, जिस मुसलमान के घर में कुरान नहीं, ना कभी उसने सुनी ना देखी, वो काहे का मुसलमान। जिस सिख ने गुरु ग्रंथ साहब आंख से देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, वो काहे का सिख। ऐसे ही हम देव पुत्र, देवताओं के पुत्र, ऋषियों के पुत्र, अपने धर्म ग्रंथ वेद को आंख से देखा नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं समझते, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, मनन नहीं किया, तो हम काहे के हिंदू। प्रतिदिन आप वेद पाठ करें या वेदों की ऋचाओं को सुने। चारों वेदों का पाठ हमने इंटरनेट पे डाल दिया है आप लोगों के लिए, चारों वेद। किसी भी वेद की ऋचाएं, सूक्त, अध्याय आप उसमें सुन सकते हैं। कम से कम दो ऋचाएं अवश्य आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए। कानों में वेद के वचन पढ़ेंगे, आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, हमारा जीवन उच्चता की तरफ जाएगा। घर के आसपास वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, नीम के पेड़, आम के पेड़,
उससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आप लाड़ प्यार में सूरज निकल रहा है और वे सो रहे हैं, मां से कहो इसे उठा दे, अरे सोन दो, क्या है क्या है, आगे उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, नष्ट होगी, तुम्हारी बात मानेगा नहीं, डंडा लेके सामने आएगा, माता पिता को कुछ समझेगा नहीं, संस्कारहीन होगा। सूर्य उदय पे किसी को भी नहीं सोना चाहिए, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, बीमार को भी, किसी को भी नहीं। सूर्य उदय से पहले ही बच्चों को उठा देना चाहिए। और जो प्रातः काल में हम ईश्वर आराधना करते हैं उसमें बैठाना चाहिए बच्चों को, स्नान वगैरह करा के उनकी आदत बचपन से आप डाल देंगे तो वे आपका भी कुछ सम्मान और लिहाज करेंगे, और नहीं तो आप देख लो जो जवान लड़के हो गए, लड़कियां हैं, सुबह से मोबाइल लिए बैठे रहे, टका टक टका टक टका टक, अगर कह दो तो क्या कहेंगे, जहर खा के मर जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, भाग जाऊंगा। कितनी अच्छी बातें हैं, कितने अच्छे स्वर हैं, है? तो जब तक बच्चे अपने बस में हैं, काबू में हैं, छोटे हैं, बड़ों में भी हम, जवान बच्चे हो गए उनमें भी हम प्रयत्न करें संस्कार डालने के, क्योंकि वे हमारा भविष्य हैं, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का भविष्य है। तो आप गाय पालने का विचार करें अगर बीमारियों से बचना है। दवाई, अंग्रेजी दवाइयां बंद कर दो, गाय पाल लो, उसमें पूरे दिन लगे भी रहेंगे, अब पानी पिलाओ, अब इसे नहलाओ, अब इसके लिए कुट्टी काटो, पसीना निकलेगा शरीर से, बीमारी पसीने के रूप में बाहर, शुद्ध दूध आपको मिलेगा, घृत मिलेगा, गोबर मिलेगा उसका, और गौ मूत्र में वो सिफत है कैंसर तक ठीक हो जाते हैं, हालांकि कोई पिएगा नहीं, हमें मालूम है। त्वचा रोग और अंदर जो कीड़े हो जाते हैं शरीर में, शरीर के भीतर आंतों में जख्म, कहीं भी जख्म हो जाते हैं, गोमूत्र से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमारे जो वैद होते थे वो किसी को बताते नहीं थे ये दवाई का फार्मूला क्या है, गोमूत्र दिया और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, मीठा कर दिया, लो पीते रहना, क्या है ये नहीं बताएंगे, दवाई है क्या, बता दी तो उसको सूंघ के ही उल्टी आएगी, हाय गौमूत्र मैं पीऊं, मेरे बस का नहीं, यो पड़ा, फोड़ देंगे शीशी को भी। गाय के जो गुण हैं उनको हम बता रहे हैं, और यज्ञ भी करें अपने घर का शोधन करने के लिए, संभव हो तो प्रतिदिन करें, प्रतिदिन ना कर सके तो 8 दिन में एक बार करें, महीने में 2 बार कर लें, अमावस्या पूर्णिमा को, इतना भी नहीं कर सकते तो बीमार पड़े रहो, दवाई फांकते रहो, कुछ फायदा होने वाला नहीं, जीवन भर दवाइयां चलेंगे, छूट सकती नहीं। डॉक्टर हैं उनको आपके जीने मरने से कोई मतलब नहीं, वे तो ये चाहते हैं ये हमारा परमानेंट ग्राहक बन जाए और जीवन भर दवाई खाता रहे। खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे। ओ खुले की वाड़
दिल के तो सामने तुम के खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ 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 तुम थे उस प्रभु परमेश्वर से छोटी छोटी बातों के लिए हम गिड़ गिड़ करते रहते हैं भगवान ऐसा कर दे भगवान किसी तरह से इस लड़की की शादी हो जाए वो तो हो ही जाएगी तुम कहो या मत कहो भगवान मेरी कोहनी में बड़ा दर्द है ये ठीक हो जाए आज नहीं हुआ दो दिन बाद ठीक हो जाएगा जरा जरा सी बातों के लिए परमात्मा को परेशान कर रहे हैं छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में भरी रहती हैं सारा संसार उससे सुख संपदा और खुशियां मांगता है किंतु वे लोग धन्य हैं जो उस प्रभु की निकटता को मांगते हैं हे प्रभु मेरी आत्मा में तू आके बस जा तेरा प्रकाश तेरा अमृत तेरी सुगंध मेरे भीतर से उठती रहे जो मांगते हैं खुशी उनको तू खुशी दे दे जो मांगते हैं खुशी उनको तू खुशी दे दे तुम मुझको अपने कदमों में जगह दे दे तुम मुझको अपने कदमों में जगह दे दे खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे मेरे परमात्मा
से जुदा कहाँ तुम थे, खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे, खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे। हमारे प्राचीन ऋषि कहते हैं, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को ऐसा बनाओ उसमें निम्न विचार प्रवेश न करें। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी बुद्धि में उस परम ब्रह्म का प्रकाश बना रहे, पहरेदार बन जाओ अपनी बुद्धि के, अपने हृदय के, अपनी आत्मा के पहरेदार। गलत आदमियों को भीतर नहीं जाने देता। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके लिए ही वो आगे जाने की अनुमति देता है। ऐसे ही हमें अपने हृदय, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा का पहरेदार बन के रहना चाहिए। बुरे विचार, निम्न विचार उनमें प्रवेश न करें, अन्यथा वे हमारे जीवन को भी खींच के निम्नता में ले जाएंगे, गड्ढों में गिरा देंगे। मैं पहरेदार हूं मेरे दिल में कौन आएगा, मैं पहरेदार हूँ मेरे दिल में कौन आएगा, सिवा तेरे मेरे घर में कौन आएगा, खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे, खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे। मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे, मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे, खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे, खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे।
वो परमात्मा चंद्रमा जैसा आनंद बरसाने वाला, अमृत वर्षा करने वाला प्रभु, और ये हमारी आत्मा उस चांद का जरा सा टुकड़ा, और ये उससे अलग हो गया। यहां संसार में हम सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अपने उस आदि स्रोत को निरंतर स्मरण करते रहते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न बनके, प्रसन्न होके हम पे अमृत बरसाता रहता है। यदि हम जानते बूझते हुए भी नीच कर्म करते रहते हैं तो क्या वो हमसे खुश होता है? नहीं, नाराज हो जाता है। अपने लिए हम स्वयं ही कांटों की खेती उगाते रहते हैं, दुष्कर्म करके, बुरे कर्म करके। मैं चांद का टुकड़ा, चांद से जो टूट गया, मैं चांद का टुकड़ा, चांद से जो टूट गया, वो मेरा चाहने वाला मुझसे रूठ गया, वो मेरा चाहने वाला मुझसे रूठ गया। तो रूठ क्यों गया? मेरे बुरे लक्षण देख के वो नाराज हो गया। खुले की वाड़ जो दिल के, तो सामने तुम थे, खुले की वाड़ जो दिल के, तो सामने तुम थे। मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे, मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे। खुले की वाड़ जो दिल के, तो सामने तुम थे, खुले की वाड़ जो दिल के, तो सामने तुम थे। संसार से हमारा लगाव, प्रेम, आसक्ति, राग, मोह, ये हमारे जीवन में दुखों की फसल को उगाता है, और उस परम ब्रह्म का प्रेम हमारे दुखों को, कलह कलेश को, जन्म मरण की अग्नि को शांत कर देता है, बुझा देता है। वो दिल दुखाते हैं,
दुनिया में जिनसे प्यार करो वो दिल दुखाते हैं, दुनिया में जिनसे प्यार करो सिवा प्रभु के किसी और से ना प्यार करो सिवा प्रभु के किसी और से ना प्यार करो खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे ठोकरें ठोकरें लाख खाई दुनिया में मैंने ठोकरें लाख खाई दुनिया में मैंने गुरु के हाथ में सौंप दी है जिंदगी मैंने लेकिन ये भी कहने की ही बात है गुरु के वचन को अगर माने हमारे मन के अनुसार गुरु अपने वचन कह दें तो बहुत अच्छा है गुरु बहुत अच्छे हैं मन के खिलाफ कोई बात आ गई ये पढ़ी माला ये पढ़ा गुरु ये पढ़ा परमात्मा अपनी बुद्धि सर्वोपरि गुरु ज्ञान लेने के बाद भी हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती हम गुरु के वचनों का अनुसरण नहीं कर पाते इसलिए गुरु में भी कमियां निकालते रहते हैं जो बात अपने मतलब की है उसको मान लेते हैं और जो हमें नागवार गुजरती है चाहे वो हमारे हित के लिए हो नीम कड़वा है मीठा तो हो नहीं सकता हितकारी जो वचन है वे कड़वे लगते हैं चाहे पिता के वचन हो चाहे वेद के वचन हो या गुरु के वचन हो ये तीनों के वचन एक जैसे होते हैं कड़वा नीम है उस कड़वाहट को जो सहन कर लेता है कुछ दिन बाद में उसको पता चलता है कि नीम कितना गुणवंत है ऐसे ही गुरु हैं मुंह से कहते हैं हमने तो सब कुछ गुरु चरणों में अर्पण कर दिया और गुरु एक सही बात कह दे कूद के एक तरफ हो जाते हैं ठोकरें लाख खाई दुनिया में मैंने ठोकरे लाख खाई दुनिया में मैंने
के हाथ में दे दी है जिंदगी मैंने, गुरु के हाथ में दे दी है जिंदगी मैंने। एक गुरु और एक शिष्य एक मकान के अंदर लेटे हुए थे। तेज हवा चल रही थी। गुरु ने कहा शिष्य से, भाई देखना बारिश हो रही है क्या? शिष्य ने कहा गुरु जी तुम्हें देखना रहा, बिल्ली भीगी हुई आ रही, बारिश तो हो ही रही है। थोड़ी देर में मकान चूने लगा। गुरु ने कहा भाई देख मकान चूरा, छत पे जाके बंद कर दे, मट्टी रख दे। हाँ गुरु जी ऐसा पाप, तुम नीचे और तुम्हारे सिर के ऊपर मैं चढ़ जाऊं? ना ना। गुरु गए बेचारे देखते हुए ऊपर मट्टी रख के बंद कर आए। बोले भाई ये दरवाजा फेर दे। कहा गुरु जी मैंने दो बार तुम्हारी मान ली, अब ये तुम करो, तुम फेरो दरवाजा। फिर किसी भक्त ने दरवाजा खटखटाया, गुरु ने बंद कर दिया था। मिठाई फल लेके आ रहे हैं। गुरु ने कहा शिष्य से, भाई उठ जा कुछ खा ले। हाँ गुरु महाराज ये आज्ञा तो आपकी मुझे माननी ही पड़ेगी। जो अपने मतलब की बात होती है उसको मान लेते हैं, और जो मन को अच्छी नहीं लगती उसको मानने से क्या फायदा है। ठोकरें लाख दुनिया में खाई मैंने, गुरु के हाथ में दे दी है जिंदगी मैंने। ये दिल तो दुनिया की तरफ बहता हुआ पानी है, दुनिया की तरफ को नीचे, नीचे के घाट की तरफ को बहता है। ऊपर को चढ़ाना पड़े, मोटर मशीन लगानी पड़ेगी, और जब मशीन बंद हुई तभी पानी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हमारे मन की गति है, इस संसार की तरफ को तो अपने आप गिरता चला जाता है, बहता चला जाता है, और परम ब्रह्म की तरफ को ले जाने में इसको जोर ताकत लगानी पड़ती, और जहां ताकत हटी ये फिर नीचे आ जाती। ये दिल दुनिया की तरफ को बहता हुआ पानी है, जो हाथ पकड़े गुरु मंजिल मिल जानी है। गुरु ने तो हाथ पकड़ रखा है। जिस समय हमें नामदान करते हैं उसी क्षण काल पुरुष से उस आत्मा को छुड़ा लेते हैं, लेकिन मनुष्य का अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने कर्म, पिछले जन्मों के संचित कर्म उसको शांत नहीं रहने देते, उसकी बुद्धि में पवित्रता को ठहरने नहीं देते। उसके लिए हमें ज्यादा साधना, ज्यादा आराधना करनी पड़ती है, और वो साधना शिष्य करते नहीं। इसलिए उनके जीवन में कलह, कलेश, अशांति ये सब जैसी पहले थी वैसे ही आज भी बनी रहती हैं। अपनी साधना को हमें बढ़ाना पड़ता है, आराधना को बढ़ाना पड़ता है। ये दिल तो दुनिया की तरफ बहता पानी है, जो हाथ
हाथ पकड़े गुरु मंजिल मिल जानी है। जो हाथ पकड़े गुरु मंजिल मिल जानी है। जो अपने पिंजरे से छूटे विप्रभ के घर पहुंचे, पक्षी आत्माएं। पिंजरे दो तरह के हैं, एक तो ये शरीर का पिंजरा, जरूरी नहीं कि शरीर से छूटते ये आत्मा सीधी परम ब्रह्म में पहुंच जाएगी, पहुंच नहीं सकती। दिन पूरे जीवन भर जो हमारे ख्यालों में हमारे ध्यान में छाए रहे हैं, उसी तरफ हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है। जहां जहां हमारी आसक्ति बनी रहती है, उन्हीं मंडलों में, उन्हीं जैसी आत्माओं में यह हमारी आत्मा पहुंच जाती है। और जो हम उस परम ब्रह्म के साथ हैं ध्यान में, जो हम गुरु के साथ हैं ध्यान में, जो हम धर्म के साथ हैं ध्यान में, हमारा धर्म ध्यान पक्का है, गुरु के वचनों में हम पक्के हैं, ईश्वर में हमारा ध्यान अडिग है, तो इस वासना के पिंजरे से हम छूट के सीधे उस परम ब्रह्म में उड़ान भर देते हैं। अन्यथा शरीर का पिंजरा दिखाई देता है, वासना का पिंजरा दिखाई नहीं देता, और उस वासना के पिंजरे में हमारी आत्मा किसी पक्षी की तरह कैद रहती है। जैसी वासना होती है वैसे ही स्थानों में, कुछ अंध लोकों में और कुछ प्रकाशित लोकों में आत्माएं चली जाती हैं। अपने पिंजरे से जो छूटे प्रभु के घर पहुंचे, अपने पिंजरे से जो छूटे प्रभु के घर पहुंचे, गुरु के संग ही कोई वहां तक पहुंचे, गुरु के संग ही कोई वहां तक पहुंचे। गुरु के संग का ये मतलब नहीं गुरु जिस रेलगाड़ी में बैठे उसमें आप बैठ जाओ तो संग हो गए। ये सत्संग चल रहा है, गुरु के संग हम सब बैठे हैं। हमारी विचारधारा परमानेंट जहां बन गई, गुरु के हृदय से हमारा हृदय, उनके विचारों से हमारे विचार एक हो गए, तो हम गुरु के संग हैं। हमारे विचार दुनिया के संग हैं, बुराइयों के संग हैं, छल चालाकियों के संग हैं, तो समझो हम निम्नता की तरफ जा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो गुरु से लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई बात अच्छी नहीं लगती उस पे अपना वाद विवाद शुरू कर देते हैं। उनसे अच्छे तो सांप हैं जो कम से कम अंधेरे बिलों में तो रहते हैं। गुरु से जो लड़ता है, वाद विवाद करता है, आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, उसको हानि जरूर उठानी पड़ती है। धर्म वचन, गुरु वचन, वेद वचन एक ही है, उनके अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए।
लालच लोभ इंसान को प्रेत आत्मा जैसा बना देता है, और उस परमात्मा का प्रेम हमें सच्चे मोती जैसा बना देता है। खुली जो आंख, न वो मैं था न वो जमाना था, दिले सियाह था और दूर तक वीराना था। खुली जो आंख, न वो मैं था, मैं जो परमात्मा के निकट था तो प्रकाशित था, और उतर के यहां दुनिया में आ गया तो ये जीवन कैसा हो गया, कौवे कुत्ते बिल्लियों जैसा, जानवरों जैसा, पशुओं जैसा। खुली जो आंख, न वो मैं था न वो जमाना था, दिले सियाह था मेरा काला हृदय, बुराइयों से भरा हुआ और दूर तक वीराना था। न कोई मेरा मित्र था न कोई साथी था। क्यों? जब हम निम्न कर्मों में फंस जाते हैं तो कोई हमारा साथ नहीं देता। जब हम सत कर्मों में लगते हैं, पुण्य कर्मों में लगते हैं, तो पशु पक्षी वृक्ष अजनबी लोग भी हमारे साथ हमारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। ए पूवे गुल, तू चमन को भर ले दामन में, ए पूवे गुल, फूल की खुशबू, आत्मा से निकलने वाली सुगंध, ये संसार उस परमात्मा का बाग है, उसका चमन है। ए पूवे गुल, तू चमन को भर ले दामन में, यहां किसी को पराया मत समझ, ये ईश्वर का परिवार है, इनके साथ सदव्यवहार कर, अच्छा व्यवहार कर। ए रूहे गुल, तेरे चर्चे हैं सारे आलम में, देवता ऋषि आत्माएं तुझको देख रही हैं, तू संसार में क्या कर रहा है। बाबा फुल संद वाले ऐसा कहते हैं, बाबा फुल संद वाले ऐसा कहते हैं, जमीन पे पैर हैं हम प्रभु के घर में रहते हैं, जमीन पे पैर है हम प्रभु के घर में रहते हैं। संसार में हम कुछ भी कार्य करते हो, शुभ कार्य अशुभ नहीं, हमारा ध्यान जहां है यदि परमात्मा में है तो हम उसके प्रकाश मंडल में विद्यमान है, बसे हुए हैं। जिनका ध्यान, जिनकी आत्मा उस प्रभु में बसी है, उसी को वसु कहा गया है, और उस परमात्मा को भी वसु कहा गया है। वो निर्मल आत्माओं को अपने हृदय में बसाए हुए है। हमारा जीवन ऐसा हो, संसार में हम भले ही विचरण कर रहे हो किंतु हमारी आत्मा उस सनातन ब्रह्म के ध्यान में रात दिन हर सांस पर निवास करती हो। बाबा फुल संद वाले ऐसा कहते हैं, बाबा फुल
जमीन पे पैर हैं हम प्रभु के घर में रहते हैं। खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे, खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने तुम थे। मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे, मेरे परमात्मा मुझसे जुदा कहाँ तुम थे। खुले की वाड़ जो दिल के तो सामने एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, 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 परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा, जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा, हे ईश्वर तेरा नाम सच्चा, हे ईश्वर तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम असाढ़ मग्रम प्रतनास सा सह्यमा
हे आदि पुरुष, देवता और मनुष्य तेरी स्तुति गाते हैं, तेरे कारण ही वे विजय को प्राप्त होते हैं। दो तरह के इंसान हैं, एक वे जिनके धर्म आचरण, पवित्र आचरण, उच्च आचरण को देख के अनेक अनेक व्यक्ति ईश्वर के मार्ग में आगे तक चले जाते हैं, ऐसा ही हमें बनना चाहिए। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जिनका अशुद्ध आचरण, अशुद्ध व्यवहार, छल, कपट, धोखा, कहने को महात्मा, उनको देख के लोग बीच में से परमात्मा के रास्ते से पलट जाते हैं। ये ही ऐसे हैं तो आगे और जाने कैसे खराब खराब लोग मिलेंगे। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रात दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, जो मुझ में विकार हैं, बुराइयां हैं, मेरी आत्मा का वस्त्र जो मैला हो गया है, गंदा हो गया है, अपने अमृत जल से तू मेरी आत्मा को धो के पवित्र कर दे, जिससे मैं तेरी निकटता को प्राप्त कर सकूं, जिससे तू मुझे प्यार करे, मुझको अपना मित्र बनावे। शन्नो मित्र शन्न वरुणः, एक मित्र के रूप में मुझे तुझसे शांति प्राप्त होवे। हे परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे चरण रखने की चौकी है, देवता तेरी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, अपना दिव्य आलोक प्रकाश तू हमें दे, अनंत शांति तू हमें दे। तेरे जिस अमृत को देवगण स्वर्ग में बैठे पीते हैं, वो ही अमृत इस धरती पर हम मनुष्यों के पुत्रों को, देव पुत्रों को तू प्रदान कर। 33 करोड़ देवता करती तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना। मैं पंछी बन के उड़ता फिरूं तेरे संग संग परमात्मा, मुझे भूख लगे ना प्यास लगे, पीऊं तेरे मुख का चांदना। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी ज्योत बले, जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।